इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज़ीरोधा गाइड में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूं, और इसी के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आज आपको करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने ज़ीरोधा गाइड के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको उसमें लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास ज़ीरोधा गाइड का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट पर आ जाना है जो कि आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जिस भी स्क्रिप्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना होता है वॉच लिस्ट में, मतलब आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जिसे भी बाय सेल करना होता है उसे यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना होता है। इसे ऐड कैसे करते हैं उसे भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस में की जाती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सभी स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। जिस स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ होती है सिर्फ उसी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे रिलायंस, HDFC, बजाज, ऑटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटी मोटी कंपनियों के स्टॉक्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने को नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। चाहे आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर आप निफ्टी 50 में करें या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करें, प्रोसीजर सभी में सेम होता है, मतलब प्रोसेस सब में सेम होगा। तो चलिए निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करके कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं निफ्टी 50। अब इस प्लस पर क्लिक करके आपको इसे ऐड कर लेना है। अब इसके बाद यहां से आपको बैक कर लेना है। अब यहां पर देखिए निफ्टी 50 ऐड हो चुका है। अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहां पर सर्च में क्लिक करना था, और इसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है बैंक निफ्टी। अब यहां पर आपको जो निफ्टी बैंक का ऑप्शन दिख रहा है इसके प्लस पर क्लिक करके आप इसे भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको निफ्टी 50 यहां पर ऐड करना है, अगर बैंक निफ्टी में करनी है तो आपको यहां पर बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक ऐड कर लेना है। देखिए यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलाटाइल होती है जबकि निफ्टी 50 उतनी ज्यादा वोलाटाइल नहीं होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होना। तो कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है पर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कम ऊपर नीचे होती है। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपको निफ्टी 50 में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि फिलहाल मुझे निफ्टी 50 में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन खरीदना है या फिर पुट ऑप्शन खरीदना है। तो इसके लिए बेसिक सा फंडा है कि आपको यह पता करना है कि आज मार्केट का मूवमेंट किधर होने वाला है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। इसके लिए आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन देखनी पड़ती है। इसके लिए आपको सेंसिबल के एप्लीकेशन में आना है। अब मैं इसको बैक कर लेता हूं। यहां पर देखिए मेरे पास एक सेंसिबल का एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। इस एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसमें आपको ज़ीरोधा के थ्रू लॉग इन कर लेना है। उसके बाद देखिए जब आप इस सेंसिबल के ऐप को ओपन करेंगे तो उसके बाद यहां पर आपको होम के बगल में एनालाइज करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देना है। यहां ऊपर सर्च बॉक्स में आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है उसे यहां पर सर्च कर लेना है। तो चलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया, और आज हम निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हम यहां पर निफ्टी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का प्रोसेस सेम होता है। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पर निफ्टी 50 को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए आपके सामने निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन ओपन हो गई है। मैं निफ्टी कहूँ या निफ्टी 50 दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसे अभी निफ्टी 50 17,600 पर है, ये कहीं पर भी हो, कितने भी पॉइंट्स ऊपर नीचे हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस मार्केट अभी जहाँ पर भी है वहाँ से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, तो आपको कॉल ऑप्शन को ख़रीदना होता है। कॉल को CE भी बोला जाता है। और अगर आपको लगता है कि जैसे निफ्टी 50 अभी 17,600 पर है
और यहाँ से निफ्टी 50 गिरने वाला है 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो आपको पुट ऑप्शन को खरीदना होता है। पुट को PE भी बोला जाता है। अगर ऐसा हो कि निफ्टी 50 ना ऊपर जाने की संभावना हो और ना ही नीचे जाने की संभावना हो, या फिर बहुत कम पॉइंट्स ऊपर नीचे जाने की संभावना हो, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस कंडीशन में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पर भी अभी निफ्टी 50 चल रहा है वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, मतलब CE खरीदना है, और अगर नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, मतलब PE खरीदना है। और अगर ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, वरना आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरफ आपको कॉल ऑप्शन मतलब CE देखने को मिलता है और राइट की तरफ आपको पुट ऑप्शन मतलब PE देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसकी एक्सपायरी जो है उसे भी चूज कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी डे होता है, तो यहाँ से आप इसकी एक्सपायरी डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे आज 6 अप्रैल है और मैं चाहता हूँ कि 13 अप्रैल की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, तो मैं यहाँ पर 13 अप्रैल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो को मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज नीचे जाएगी, और जब मार्केट नीचे जाती है तो हमें क्या खरीदना होता है, ऐसे में हमें पुट ऑप्शन मतलब PE बाय करना होता है। तो अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हमें पुट ऑप्शन में भी क्या खरीदना है, या अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो अगर हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है तो हमें कॉल ऑप्शन में भी क्या खरीदना होता है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। तो अब हमें एक क्वेश्चन ये है कि हमें पुट में भी क्या खरीदना है। तो फिलहाल आप देखिए कि निफ्टी 50 17,600 पर चल रहा है, इसे स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट 17,600 से नीचे जाएगी तो नीचे में हमें 17,550, 17,500, 17,450, 17,400, 17,350 देखने को मिल रहा है। 50-50 पॉइंट्स के गैप में हमें इसका स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि हमें 17,550 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदना है, तो हमें वापस से अपने ज़ेरोधा काइट के एप्लीकेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपको यहाँ वॉचलिस्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है 17,550। तो अब यहाँ पर इसे भी समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें तो आपको इसकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी, तो इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 17,550, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। इसके बाद यहाँ पर जो CE लिखा हुआ है वो कॉल ऑप्शन है, और जहाँ पर PE लिखा हुआ है वो पुट ऑप्शन है। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इन दोनों में देखिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर CE है तो ये कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर PE लिखा हुआ है तो ये पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, निफ्टी 13th छोटा सा W अप्रैल 17,550 लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। 13 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और 17,550 का ये कॉल ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है CE। उसी तरह यहाँ पर ये निफ्टी 50 का 13 अप्रैल का वीकली पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉल या पुट बाय सेल करना है उसके सामने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। हमें निफ्टी 50 के 13 अप्रैल के वीकली एक्सपायरी का 17,550 का पुट ऑप्शन बाय करना है, तो हमें इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहां से बैक कर लेना है। अब देखिए आपकी वॉच लिस्ट में आपका ये 17,550 का 13 अप्रैल के वीकली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट वो यहां पर ऐड हो चुका है। अब इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बाय और सेल दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आज हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर बाय पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको इसका नाम दिखाई दे रहा है, निफ्टी 13th वीकली अप्रैल 17,550 का ये पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। NFO में आपके इसके जो लाइव मार्केट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, 62 रुपये 25 पैसे, 45 पैसे, 40 पैसे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो रहा है, क्योंकि मैं इसे आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर रेगुलर AMO और आइसबर्ग,
ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको रेगुलर में ही रहना है। क्वांटिटी में आपको यहाँ पर 50 देखने को मिल रहा है, बगल में लिखा हुआ लॉट साइज 50। मतलब क्या होता है कि आप निफ्टी 50 में जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉट साइज में ही बाय करना होता है। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर आपको 50 के मल्टीपल में ही यहाँ पर आप क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, जैसे 50, 100, 150, 200, 300 इस तरीके से। अगर आप सोचें कि मैं 50 का 55 ले लूँ या 60 ले लूँ या 70 ले लूँ, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी मतलब एक लॉट जो है वो बाय करना ही होता है। बगल में देखें यहाँ पर लिखा हो प्राइस, और यहाँ पर जो प्राइस वाला बॉक्स है वो यहाँ पर अभी नॉन एडिटेबल है, मतलब यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट सेट है। इसका मतलब ये है कि जब आप टाइप में मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो ये मार्केट में जो भी प्राइस इस समय चल रहा होगा उस पर ये बाय हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिमिट चूज़ कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर प्राइस में आपको प्राइस फिल करने का ऑप्शन मिल गया है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी ये 62 रुपये में चल रहा है, और आप चाहते हैं कि जब इसका रेट 62 रुपये से गिरकर 60 रुपये आएगा तब आप इसे बाय करेंगे, तो यहाँ पर आप इसे 60 रुपये फिल कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है, जो प्राइस है, जो 62 रुपये 50 पैसे से नीचे गिरकर 60 रुपये आएगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बाय होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं होगा। अब मैं आपको देखिए इसे तुरंत करके दिखाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर इसे मार्केट को ही चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इंट्राडे MIS ओवरनाइट नॉर्मल। इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर आपने ओवरनाइट को सेलेक्ट करा तो क्या होगा इसमें कि आप इसकी एक्सपायरी तक इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं। मतलब जैसे आज जो है, आज है 6 अप्रैल, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये 13 अप्रैल की एक्सपायरी का है। मतलब मैं इसे 13 अप्रैल तक होल्ड कर सकता हूँ। इसे कोई मैंडेटरी नहीं कि मुझे आज के आज बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि आपको आज मार्केट बंद होने से पहले, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देना होगा। ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 13 अप्रैल की एक्सपायरी का करा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको ओवरनाइट कर सकता हूँ ताकि मैं इसे होल्ड करूँ। मान लीजिए आज की डेट में मुझे कोई लॉस होता है तो मैं 13 अप्रैल तक इसे होल्ड करके रख सकता हूँ, ताकि हो सकता है मुझे आज से लेकर 6-7 दिन के अंदर कोई प्रॉफिट इसमें बनता हुआ दिखाई दे। और अगर मैंने इंट्राडे करा तो ये समझिए कि अगर मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आज मार्केट बंद होने से पहले, मतलब 3:30-3:15 से पहले मुझे इसे सेल कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो टाइप लिखा हुआ मार्केट लिमिट, इसको मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है GTT सेट स्टॉप लॉस। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि जैसे 60 रुपये 90 पैसे में जो भी इस समय मार्केट रेट चल रहा है, उससे जितने परसेंट, मान लीजिए मैं यह चाहता हूं कि 5% नीचे अगर रेट आ जाए तो मैं इसे सेल कर दूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया -5%। मतलब इसके करंट जो मैं इसको प्राइस पे ख़रीदूंगा, उस प्राइस से जैसे ही 5% इसका रेट नीचे आता है तो इसे मैं बेच देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस में 5% सेलेक्ट कर दिया है या टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपको 10% नीचे का स्टॉप लॉस लगाना हो, आपको 15% नीचे का लगाना हो, आपको 2% नीचे का लगाना हो। मैं यहाँ पर -5% कर लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरे ख़रीदे हुए प्राइस से अगर इसका प्राइस जो है वो 5% नीचे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेट टारगेट। सेट टारगेट को अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है टारगेट परसेंटेज। यहाँ पर आप परसेंटेज में टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी प्राइस पर इसे इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं उससे 10% अगर ये इसका रेट ऊपर हो जाए तो ये मेरा टारगेट हिट हो जाए, मतलब मैं उसे सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर आप 10% लिख सकते हैं, आप यहाँ 10 की जगह 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर लेके निकलना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 10% सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि देखिए सेट स्टॉप लॉस में मैंने 5% -5% लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरे खरीदे हुए प्राइस जैसे 5% इसका प्राइस नीचे जाएगा वैसे मैं इसे सेल कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता हूँ। और टारगेट में मैंने ये सेट कर दिया है कि अगर मेरे खरीदे हुए प्राइस से इसका रेट जो 10% ऊपर चला जाए तो मैं इसे एग्जिट कर देना चाहता हूँ, मतलब इसे सेल कर देना चाहता हूँ। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मोर में आपको जैसा है वैसे ही रहने देना है। वैलिडिटी में आपको डे ही सेलेक्ट करना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर देना है। अब मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था मैंने उसे बाय कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ऑर्डर्स में आते हैं, तो ऑर्डर्स में आपको सबसे ऊपर दिखा रहा है, देखिए अभी टाइम हो रहा है 12:53 हो रहा है, और देखिए यहाँ पर जो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट दिखा रहा है, 12:52 पर ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर बाय करा है,
50 क्वांटिटी मैंने बाय करा है, मतलब एक लॉट बाय करा है। निफ्टी 13 अप्रैल की वीकली एक्सपायरी का 17,550 का पी मतलब पुट ऑप्शन मैंने बाय करा है। इसको मैंने 59.65 रुपये के प्राइस पर इसे बाय करा है नॉर्मल में मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी डिटेल देखने को मिल सकती है। अब इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसी ऑर्डर को रिपीट भी कर सकते हैं या इसका आप चार्ट भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे बैक आता हूँ और अब अगर आप यहाँ पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं और पोजीशंस पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। तो फिलहाल मुझे 12.5 रुपये, 7.5 रुपये के आसपास, 17.5 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आपको पोजीशंस में आपकी डिटेल दिखाई देगी। पोर्टफोलियो में आके पोजीशंस में आपको देखना है यहाँ पर आपका टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी को और ऐड भी कर सकते हैं या आप इसे एग्जिट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फिलहाल मुझे यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा, 15 रुपये का लॉस हो रहा, 10 रुपये का लॉस हो रहा, फिर देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाएगी मेरा प्रॉफिट और लॉस घटता बढ़ता रहेगा, हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो सकता है मुझे लॉस हो। देखिए ये 13 अप्रैल की एक्सपायरी का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और आज है देखिए यहाँ पर 6 अप्रैल, तो मैं यहाँ पर 13 अप्रैल तक इसका वेट कर सकता हूँ ताकि मुझे अगर जो लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इसमें आप जब भी शुरुआत करें तो बहुत छोटे छोटे पैसे को लेकर शुरुआत करें ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जोश जोश में, आप कम अज्ञानता में, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे नहीं होते हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और लास्ट में आपकी जो कैपिटल होती है वो वॉश आउट हो जाती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ से बचें और पहले सीखने पे फोकस करें। तो फिलहाल देखा कि मैंने निफ्टी 50 के 13 अप्रैल की एक्सपायरी का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय किया हुआ है। फिलहाल मुझे उसमें 40 रुपये का लॉस होता हुआ दिख रहा है, 32.50 रुपये हो गया, 37 रुपये हो गया। तो देखिए घटता बढ़ता रहेगा, 13 अप्रैल तक इसे मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। लेकिन आपको इसी वीडियो में ये भी दिखाना है कि जब भी आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आप कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या लॉस को ज़्यादा होने से बचा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे 30 रुपये का लॉस हो रहा है, 12.5 रुपये का देखिए घट रहा है बढ़ रहा है। तो फिलहाल इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ ताकि आपको एग्जिट करने का मतलब सेल करने का प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जिट पर क्लिक करना है और एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इसी तरीके से रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर स्वाइप टू सेल पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंप्लीटेड और मुझे टोटल 52 रुपये का लॉस हो चुका है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, मैं चाहता तो 13 अप्रैल तक इसे होल्ड कर सकता था, मुझे प्रॉफिट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि 6-7 दिन बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें दिखानी है, मुझे सब कुछ लाइव करके दिखाना है तो इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ आपके लिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सेल हो गया है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊँ आपको, इसके लिए मैं आपको ऑर्डर्स पर आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेल कंप्लीट, 12:56 पे मैंने इसे बेच दिया है। कंप्लीट का मतलब होता है कि हमारा ऑर्डर जो है सेल का वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वांटिटी में 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 52 रुपये का लॉस हो चुका है। तो फिलहाल मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी 50 में ज़ीरोधा गाइड एप्लीकेशन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस फील्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।